ना पी तो कैसे करती किसी घुटने के बता प्लीज यार मैं टहल के आता हूँ पापा मैं ठीक हूँ फिक्र मत करो पल्लवी एक्चुअली पल्लवी मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ एक 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 गलती हुई है मेरे से और ये बात तुम्हें कोई और बताए उससे पहले मेरा बताना तुम्हें जरूरी है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता पल्लवी एक्चुअली तुम्हारी मॉम आज घर आई थी व्हाट वो कह रही थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हमारी शादी के लिए तैयार है मेरे घर वालों को इस बारे में अब तक नहीं पता बस ये वॉइस नोट पल्लवी जल्दी से सुन ले तो मैं उससे बात कर सकूं तनु मुझे ना अनईजी लग रहा है लगता मैंने कुछ ज्यादा खा लिया अरे दीप आपको गैस हो गई होगी पक्का मैं तुंदी पे हींग मल दूं तनु तुंदी कौन बोलता है आजकल हम बच्चे नहीं हैं ना भी बोल नेवल बोल और हिंग हिंग कौन मलता है अरे होता है ना ये लो चूरन खा लो अच्छा लगेगा आपको और ये आपका चार्जर थैंक यू अरे ये तो पल्लू के लिए मैसेज आया है पल्लू को दे देती हूँ थैंक यू अंकल मुझसे बात करने के लिए मिलने के लिए मेरे लिए आमने सामने बैठकर बात करना ज्यादा बेहतर है बजाय बाथरूम के दरवाजे से इस पार या उस पार बात हो दरवाजे भी दीवारों की तरह होती है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दीवार मेरी बेटी की खुशियों पर गिरे और उसकी खुशियां चूर चूर हो जाए अंकल रियली सॉरी लेकिन मैं जानता हूं तुम पल्लवी से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारी नीयत बहुत साफ है तुम पल्लवी को कभी झूठ नहीं बोलोगे जी लेकिन बेटा अगर इस वक्त तुमने पल्लवी को सब सच बता दिया ना तो वो इस रिश्ते को मना कर देगी वो दूर चली जाएगी फिर वही होगा पापा फर्स्ट और बाकी सारी दुनिया भी बाहर में और मैं अपनी बेटी की खुशियों के बीच में दोबारा नहीं आना चाहता हूं तुमसे प्यार करती है तुम उसकी खुशियां हो उसके सपने हो उसे ना कुछ मत बताओ खामोश रहो ना कोई रिश्ता था ना संबंध कभी कभी सोचती हूँ मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा कहीं ये फिर से अकेले ना पड़ जाए नहीं रहेंगे पापा अकेले मैं उन्हें अकेला नहीं होने दूंगी मम्मा मेरे साथ आकाश है वो समझता है मुझे मेरी फीलिंग्स वो मुझे पापा से दूर नहीं करेगा कभी नहीं मैं ये समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं
लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा पल्लवी से ऐसे झूठ बोलना। और बाप हूं मैं उसका, तुमसे मिलने से पहले ना उसे प्यार मोहब्बत रिश्तों में इन सारी चीजों में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन उसे एक ऐसा लड़का मिलेगा ना जो उसे ठीक से समझ पाए, जिसके साथ बिना उलझन की वो मुस्कुरा पाए, उस दिन उसे ना प्यार मोहब्बत रिश्तों की समझ आएगी। ये पल्लू आज चाहे कुछ भी कहे कि मैं सारी रिवायतें बदल दूंगी, सब चेंज कर दूंगी, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए ना सारे रिश्ते पीछे धकेल देती है। बेटे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत साफ है, तुम पल्लू को सब कुछ बताना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं जो कुछ भी होगा वो मैं हैंडल कर लूंगा। अंकल लेकिन मना मत करना बेटे, तुम्हें मेरी कसम है नहीं बताएगा ना, प्लीज। अनुदी मेरा फोन। पल्लू पहले तू मुझे बता, तू इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी? ये मामा का वीडियो ये तुझे कब मिला? दीपू दे की शादी में मैं मामा की चुन्नी लेने गई थी, तब मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली। तनुदी आप ऐसा मत सोचना, मतलब ऐसा नहीं है कि इस वीडियो की वजह से मैं ये सब कर रही हूँ। दीप ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मम्मा मुझसे बात कर रही है। आई कैन फील हर, जैसे वो मेरे आसपास ही है। इसलिए मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो या कोई रिकॉर्डिंग नहीं है दी। बोलो। नहीं दी मुझे बोलने दो प्लीज। आपने, दीपू दी ने, पापा ने सबने मम्मा के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, लकी हो आप लोग, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं बिता पाई उनके साथ। मैं छोटी थी ना, मेरे पास ना बहुत बहुत गिनी चुनी यादें हैं उनकी। नहीं जब जेब में बहुत पैसा होता है ना तो खर्च कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, और जब गिने चुने सिक्के हो ना तो उन्हें संभाल के रखना पड़ता है। और ये जो वीडियो है ना मम्मा का, ये जो भी बातें हैं ये मेरे लिए वही है, गिनी चुनी यादें जिन्हें मैं संभाल के रखना चाहती हूँ। तुझे पता है तू ना बिल्कुल मम्मा जैसी है। वो भी ऐसी ही थी, सबके बारे में सोचती थी, सबकी चिंता करती थी। पता नहीं थी, पर आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि ये बात आप किसी को नहीं बताओगे, स्पेशली पापा को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन पल्लू पापा ने ही तो कहा था ना कि झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे सांप है, काट खाता है झूठ का सांप। अरे ये झूठ कहाँ है थी? और अब तो आकाश भी मान गया है यहाँ रहने के लिए, खुशी खुशी शादी भी कर रही हूँ, पापा भी खुश है ना? सोचो थी अगर पापा को ये पता चल गया ना तो होगा सब वैसे ही, बस मुझे इस घर से भेजने की जिद पे अड़ जाएंगे, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हम प्लीज थी इसको सीक्रेट ही रहने दो ना। पल्लो यार तू तो जानती है मुझसे वैसी सीक्रेट नहीं रखी जाती है, मुझे सीक्रेट रखने से गैस होने लग जाती है ना, तू कहाँ फंसा रही है? अरे तनुती मुझे नहीं पता, आप हिंग मलो चूरन खाओ जो करना है करो, लेकिन प्लीज तनुती ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है सुन पल्लो, आज खिचड़ी बना ले क्या, वो दीपू दी की तबीयत भी ना ऐसी सी हो रही है। ठीक है इतने सारे मैसेजेस और आकाश का भी मैसेज आया है। पल्लू भूना जीरा कहाँ रखा है? आ रही हूँ दी। ओके अंकल मैं पल्लवी से कुछ नहीं कहूंगा।
ये रहा दी। अरे पलो प्लीज ये खोल के दे देना प्लीज। ओके। तू मेरा दामाद थी, तू ना मेरा बेटा है, बेटे से भी बढ़कर तू मेरा दोस्त है यार। मेरा दोस्त? पल्लवी का फोन। हाँ बेटे। पापा कहाँ हैं आप? क्या हुआ? जहाँ भी है फौरन घर आइए। इसे क्या हो गया? अचानक फोन कर दिए। क्या बोल रही थी? पता नहीं कुछ ज्यादा ही टेंशन में थी, कह रही थी कि जल्दी घर आ जा। नो। क्या हुआ? अंकल आने से पहले ना मैंने पल्लवी को एक वॉइस नोट भेजा था, उसमें यही बोला था कि जो सब बताना था और साथ में ये भी कि आपको सब पता है। ओह गॉड। अब अंकल 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 मैसेज डिलीवर हुआ लेकिन उसने अब तक सुना नहीं है, तो मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा। मैं चलता हूं। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। चलो प्लीज। गाड़ी की आवाज इस वक्त? कौन हो सकता है? चेक करती हूं। पापा आप, वो गाड़ी की आवाज आई थी ना? हाँ वो खन्ना ने मुझे अभी ड्रॉप किया है। पल्लो ने आकाश का वॉइस नोट कहीं सुन तो नहीं लिया? पापा कहाँ थे आप? टाइम देखा तो पता चला कि दवाई का रिमाइंडर आया है। दवाई खाई आपने? नहीं खाई। कब खाएंगे? अब ला मुझे दे। मतलब अभी तक नहीं सुना है इसने वॉइस नोट? ये लीजिए। बेटा तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरा फोन। डोंट वरी मैं तुम्हारे मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, मुझे वहां से केटर का नंबर चाहिए। मेरा खो गया है, मतलब डिलीट हो गया फोन से। फोन तो रूम में है पापा, मैं ले। नहीं मैं ले लेता हूँ। देखो कुकर की सीटी बज रही है, तुम अटेंड करो मैं देख लेता हूँ। वैसे क्या बना रही हो? खिचड़ी। क्या बात है, बना बना। पापा आप कहाँ थे? मैं कब से परेशान थी। क्यों? पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम पल्लो को डोली में बिठा ही रहे हैं तो क्यों ना फिर मोहल्ले का एक चक्कर भी लगवा दें, वरना क्या करेगी वो? आंगन में एक साइड से डोली में घुसेगी, फिर दूसरे साइड से उसको निकालना पड़ेगा, है ना? क्या हुआ, अब क्या ढूंढ रहे हैं? पल्लो का फोन। पल्लो का फोन कहाँ रखा है? पल्लो का फोन ये रहा। अरे आकाश के इतने सारे वॉइस नोट्स आ रखे हैं। इसे भी ना चैन नहीं आ रहा है। मैं पल्लू को देके आती हूँ। फोन भेजो। अरे पापा आकाश की मैसेज है ना? हाँ मुझे ना वो केटर्स के कुछ नंबर चाहिए। ला फोन भेजो। तो पर्सनल मैसेज होंगे ना? हाँ ठीक है समझ सकता हूँ पर्सनल, लेकिन मुझे नंबर तो दो। अरे पापा फोन कुछ पापा। I need to tell you something. Last confusion अभी भी है। I know तुम शादी के बाद अपने घर अपने पापा के साथ रहना चाहती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को इस बारे में अब तक नहीं पता। मिला क्या नंबर पापा?
हाँ बेटे, खाने खास केटरर्स का नंबर मिल गया मुझे। ओके। पापा, ये खाने खास केटरर्स का नहीं था, ये तो आकाश की आवाज है ना? पता है मुझे, आकाश की आवाज है। तो फिर पल्लू के लिए है ना? पल्लू को बता देते, सब गड़बड़ हो गया है। अच्छा, इसीलिए आकाश की मम्मी डोली की बात कर रही थी, आप समझे? तुमने कुछ नहीं सुना? सुना ना। हाँ, लेकिन तुम पल्लू को कुछ नहीं बताओगी, कुछ भी नहीं बताओगी। मैं कह रहा हूँ। पर पापा, आप ही ने तो सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। ये झूठ नहीं है, ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट? पर पापा, सीक्रेट रखने से मेरे पेट में गैस होती है। ना, तुम अब अडल्ट हो गई हो, गैस होती है तो चूरन खा लो, लेकिन इस तरह से, देखो तुम्हें पापा पे भरोसा है? पापा कभी गलत करेंगे नहीं ना। हम ये चीजें हैंडल कर लेंगे। पर पापा, तुम तनु की शादी करवाना चाहती हो, हाँ या ना? ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो सीक्रेट कैसे संभालूंगी? पापा, पापा खिचड़ी तैयार है, गरम गरम है, खा लीजिए। तुम टेबल लगा लो, बस हम आ रहे हैं। ओके, आप भी आओ। हेलो आकाश, मैंने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया है, पल्लवी ने नहीं सुना। कुछ खा लेते हैं। अच्छा चलो। एक तो मुझे पहले गैस हो रही है, एक सीक्रेट थी, अब दो सीक्रेट। आउट। ओह सॉरी सॉरी दी, क्या गिरा? एक मिनट। ये देखा आपने, इसमें तो दो लाइनें, मतलब क्या प्रेग्नेंट हो? क्या प्रेग्नेंट हो? मैं ना अभी सबको बता के आती हूँ। अभी किसी को मत बताना। हाँ, अरे लेकिन दी, ये तो सुनना, मैं सबसे पहले ना वरुण को बताना चाहती हूँ। पर दी, पापा कितने खुश होंगे। आई नो तनु, लेकिन लेकिन प्लीज मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने देना। तो क्या आप झूठ बोलेंगे हम? दी, पापा ने कहा था ना कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काट खाता है झूठ का सांप। तनु यार, तू कितनी अजीब है। जब मैंने कहा किसी को बताना मत, बोलना मत, तो झूठ कैसे हुआ? इट्स अ सीक्रेट। सीक्रेट? चुप। दी, मुझसे सीक्रेट नहीं रखे जाते, मुझे गैस होती है। तनु, मैं ना इसे कफ के लगाऊंगी ना, इतनी बड़ी हो गई है मैं। अच्छा ठीक है, मैं चूरन ही खा लूंगी। हाँ चूरन खा ले, या तेरे नेवल पे, आई मीन तुम्बी में ना हिंग मल ले, जो करना है कर ले, लेकिन किसी को कुछ मत बता, सीक्रेट। कल मेरी बेटी की मेहंदी है, मुबारक हो मेरी बेटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी बातें हैं, ये मेरे लिए वही है, गिनी चुनी यादें। इसको सीक्रेट ही रहने दो ना। तुम पल्लू को कुछ नहीं बताओगी, ये एक सीक्रेट है। मैं सबसे पहले ना वरुण को बताना चाहती हूँ, किसी को कुछ मत बता, सीक्रेट। तीनों के सीक्रेट्स बहुत बड़े, मुझे कुछ भी करके छुपाने होंगे सीक्रेट्स, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.